तो आपका आपके भाई के चैनल में स्वागत है। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अंक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर, ठीक है। फिर उसका जो पूरा जानकारी है, पूरा लिखा हुआ है, इसी टॉपिक में समझाऊंगा आज आपको, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम क्या, ठीक, अंक को पहले तो टॉपिक से हटके, अंक एक चिन्ह है। अंक क्या है, चिन्ह है, ठीक है। वो जो हमारा एक दो जीरो जो भी है, ठीक है, सब क्या है, हमारा चिन्ह है, ठीक है। तो अंक को हम चिन्ह कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं अंक, ठीक, गणित विषय का आधार है। अंक क्या है, गणित विषय का आधार है, ठीक। तो गणित, अंक के बिना गणित अधूरा है, ठीक है, ठीक, अधूरा है, ठीक। तो अंक जो है, ठीक, गणित का अस्तित्व है, ठीक। ये दोनों ही, ठीक, एक दूसरे से मिले हुए हैं, किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। तो जो गणित है, सिर्फ कुछ भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, जो भी करते हैं उसमें क्या होता है, प्लस में जो भी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ठीक, अंकों का ही, ठीक, यूज करते हैं, ठीक। जो फिर जो हमारा संख्या है, ठीक है, संख्या का जो लिखते हैं, ठीक, उसमें भी क्या है, ठीक, अंकों का ही, अंकों को ही मिलाकर लिखा जाता है, ठीक। तो अब हम लिखते हैं, ठीक, जो अंक है, ठीक, तो अंक क्या है, अंक, ठीक है, अंक क्या है, अंक हमारा, ठीक है, अंक टोटल 10 है, ठीक है, जीरो से, ठीक, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। तो 0 से 9 तक, ठीक है, सभी अंक है, ठीक। तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो टोटल पूरा 10 है, ठीक है, ये सभी क्या है, अंक है, ठीक। अब देखते हैं क्या संख्या, तो संख्या क्या है, संख्या किससे बनता है, संख्या दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर ही क्या संख्या का निर्माण होता है, ठीक है भाई लोग। तो देख लेते हैं किस प्रकार, ऐसे यहाँ से एक अंक उठा लेते हैं, दो उठा लिए, दो आ गया, ठीक है, और एक, ठीक है, दो या दो से अधिक अंक ना, तो एक ठो अंक आ गया है, और एक ठो अंक उठा लेते हैं, तो कितना आ गया, 24, ठीक है, 24 आ गया, तो क्या बन गया, ये संख्या बन गया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अंक मिलके ही संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या है 10 है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या 10 है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत है, क्या, अनंत है, इसे कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्या, अंक, जो अंक है, ठीक है, अंक का यूज, उपयोग, ठीक है भाई लोग, दशमिक पद्धति में भी करते हैं, तो हमें सीधा सीधा, ठीक है, देख रहे इसमें क्या लिखा है, दशमिक पद्धति, ठीक है। तो इसमें पहले देख लेते हैं, 10, 10 मतलब क्या है, 10 मतलब क्या है, 10, ठीक, लिखिए सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है। तो दशमिक पद्धति में क्या होता है, दशमिक पद्धति में भी अंकों का उपयोग होता है, 0 से कहां तक, 9 तक अंकों का उपयोग होता है, ठीक है, दशमिक पद्धति में। अब हम देखेंगे क्या, अंक, जो अंक है, ठीक, उसको डिजिट कहते हैं अंग्रेजी में, क्या, डिजिट भी कहते हैं अंक को, ठीक है, अंक को अंग्रेजी में डिजिट भी कहते हैं, ठीक। अब आते हैं जो अंक है, ठीक, अंक जितने भी अंक है हमारे, ठीक, एक से लेके, ठीक है, एक से लेके 9 तक, ठीक, ये पूरा क्या है, प्रत्येक जो अंक है उसका क्या है, एक अलग ही महत्व है, प्रत्येक अंक का एक अलग ही महत्व है, ठीक है। इन्हीं से क्या है, गणित विषय का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले पढ़ रहे हैं क्या है, आधार है, आधार है, फिर अस्तित्व भी है, ठीक है, पूरा अंक हमारा क्या है, आधार, अस्तित्व दोनों है, ठीक है। तो जो क्या है, आप क्या कह रहे हैं, हाँ, तो प्रत्येक जो अंक है, ठीक, उसका अलग ही एक महत्व है, ठीक है। और उन अंकों में से, ठीक है, जो हमारे शून्य है, ठीक, शून्य, शून्य का जो महत्व है, ठीक है, ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। शून्य से ही क्या होता है, शून्य ही सभी संख्याओं का, ठीक है, शून्य क्या करता है, सभी संख्या का पूरा उसका हाँ, तो जो शून्य है, ठीक है, तो जो हमारा शून्य है, ठीक, उसका अलग ही महत्व है, क्योंकि, ठीक है, वह किसी भी संख्या या अंक का, ठीक है, वह 10 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। अगर हम क्या लेते हैं, अभी ले लिए क्या, 1, ठीक, उसके पीछे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो क्या होगा, 1 का 10 गुना बढ़ गया है, ठीक है, मतलब क्या, 1 × 10, ठीक है, तो 1 का में 1 और 0 पीछे, ठीक है, तो 1 का 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा 0 क्या है, 0 हमारा क्या है, 0, ठीक, जो शून्य, ठीक, वह, ठीक, अंकों में सबसे अधिक महत्व रखता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखें, जो अंक है,
बस छोटी बड़ी सभी संख्या, छोटी बड़ी सभी संख्या कैसे, छोटी मान लेते हैं 12, ठीक है, फिर क्या है बड़ी, बड़ी मतलब बड़ी कैसे, हाँ बड़ी मान लेते हैं 525, ठीक है, छोटी बड़ी सभी संख्याओं में ठीक अंकों का ही क्या उपयोग किया जाता है, और उसी कारण ही क्या ठीक हम ठीक अंकों द्वारा ही, ठीक अंकों द्वारा ही हम ठीक छोटी बड़ी सभी संख्या को लिखते हैं, ठीक है। अब तो जो हमारा अंक है ठीक है वह बड़ी संख्या को लिखने में भी क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है भाई लोग। जैसे क्या लिखेंगे अभी 5050, ठीक है रुपए, 5050 रुपए, ठीक है। अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या होगा, इसको देखिए कितना जगह लगता है, ये हो गया 5050, ठीक है 5050, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने में कितना जगह लग रहा है हमें, ठीक है। अगर हम 5050 को ठीक है अंकों में लिखते तो कितना जगह लग रहा है, छोटी सी जगह में क्या हो रहा है हमारा 5050 रुपए पकड़ गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा अंक क्या कर रहा है हमें, ठीक हमें छोटे स्थानों में लिखने में हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ठीक